अगर आपके जीमेल अकाउंट में ना कोई मेल रिसीव हो रहा है, ना किसी को मेल आप वहां पे सेंड कर पा रहे हैं, इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेल कहां पे जा रहा है, तो मैं आपको यहां पे 2 से 3 स्टेप बताने वाला हूं। इसको यूज करके आप यहां पे जो भी मेल का प्रॉब्लम आ रहा है उसको 100% फिक्स कीजिएगा और आपका 100% दोस्तों यहां पे वर्किंग करेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जीमेल एप्लीकेशन को यहां पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पे देख लेना है कोई स्टोरेज फुल वाला नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। अगर स्टोरेज फुल वाला अगर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो होगा क्या कि जो भी मेल आप यहां पे कीजिएगा वो मेल यहां पे बाउंस कर जाएगा और दूसरा बंदा अगर आपको मेल करेगा तो वो मेल दोस्तों आपको यहां पे रिसीव नहीं होगा। आप ऊपर में प्रोफाइल ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे आपको देख लेना है आउट ऑफ स्टोरेज तो यहां पे नहीं बता रहा है। अगर यहां पे स्टोरेज फुल हो चुका है तो आपको क्या करना है, स्टोरेज को यहां पे कम करना है। तो कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां से बैक हो जाना है। बैक होने बाद आपको देख लेना है कि अगर आप अपना गूगल फोटो यूज कर रहे हैं तो गूगल फोटो में अगर आपने बैकअप को ऑन करके रखा हुआ है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल फोटो को यहां पे ओपन कर लेना है। देन ऊपर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहां पे फोटो सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें और यहां पे बैकअप वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपका यहां पे ऑन किया हुआ है तो सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन को सबसे पहले बंद कर लेना है तो जो भी बैकअप आपका बना हुआ है वो दोस्तों आपका यहां पे बंद हो जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करें, प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएं। देन उसके बाद जहां पे स्टोरेज आपको फुल बता रहा है उस स्टोरेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने बाद यहां पे देखिए लार्ज फोटो, ब्लरी फोटो, स्क्रीनशॉट और अदर एप्स का ऑप्शन मिलेगा। तो जहां पे स्टोरेज आपका ज्यादा फुल बता रहा है अपने हिसाब से किसी पे भी क्लिक करके आप दोस्तों डिलीट कर सकते हैं। जैसे लार्ज फोटो एंड वीडियो का ऑप्शन मिला है, इस ऑप्शन पे दोस्तों जैसे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने बाद यहां पे देख सकते हैं जितने भी वीडियो यहां पे देखने मिले हैं सभी का दोस्तों यहां पे बैकअप बना हुआ है। तो चलिए मैं अगर किसी को डिलीट करना चाहता हूं सिंपली इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट वाले ऑप्शन में जाइएगा, देन यहां पे मूव टू बिन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं और ये सभी में इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्टोरेज को कम कर लेना है। उसी प्रकार से जो जीमेल है, जीमेल का भी स्टोरेज को आपको यहाँ पे कम कर लेना है। जीमेल में आपको जाना है और जीमेल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर करके आप चाहे तो किसी को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कैटेगरी देखने मिलेगा, जैसे प्रमोशन कोई वीडियो आया हुआ है, प्रमोशन कोई अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेल आता है तो आपको क्या करना है, अपने कैटेगरी हिसाब से इस प्रकार से आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट होते चले जाएगा और सिलेक्ट होने के बाद आप चाहे तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ऊपर में डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके डिलीट कर लेना है और इस प्रकार से आपको मेल और साथ में गूगल फोटो का स्टोरेज को कम कर लेना है। ये करने के बाद भी अगर आपका यहाँ पे मेल नहीं आता है तो एक बार एप्लीकेशन को क्या करना है, इस पर टैप करना है, एप्स इन्फॉर्मेशन में जाना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर डाटा वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके दोस्तों आपको एक बार इसका डाटा को क्लीन कर लेना है। देन उसके बाद आपको जीमेल एप्लीकेशन को एक बार यहाँ पे दोस्तों ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है आपका मेल यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक टू जीमेल पे क्लिक करूंगा, देन परमिशन को फिर से अलाउ कर दूंगा और इस प्रकार से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। देन उसके बाद होता क्या है कि कभी कभी अगर आप बैकअप में कोई दूसरा ईमेल आईडी डाल के रखे हुए और उसको अगर प्राइमरी में अगर आपने सेट किया हुआ है तो जो मेल अगर इसमें आ रहा है वो होता क्या है कि इस मेल में ना आके उस मेल में चला जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप यहां पे जीमेल पे ओपन करें, ओपन करने और प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएं, देन आपको यहां पे मैनेज और गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे दोस्तों आपको यहां पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहां पे वेट करना है। आपको यहां पे क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन जो देखने मिल रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है और इस पे दोस्तों जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद यहां पे अगर आप देखें तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगा जिसमें ईमेल और फोन नंबर आपका यहां पे शो हो जाता है। तो आपको यहां पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जो ईमेल यहां पे शो हो रहा है, दो ईमेल देखने मिलेगा, उस ईमेल पे आपको क्लिक करना है और उस पे दोस्तों जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहां पे वेट करना है। वेट करने के बाद आप यहां पे देखिएगा तो आपको यहां पे रिकवरी ईमेल आईडी देखने मिलेगा और कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी यहां पे देखने मिलेगा। तो यहां पे जो कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी है वो अगर दूसरा अगर चेंज किया हुआ है तो सिंपली क्या करना है, यहां पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए प्राइमरी जो भी आपका है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पे आपको देख लेना है कि अगर दूसरा सिलेक्ट किया हुआ है तो जो भी आपका प्राइमरी मेल है उसको जैसे सिलेक्ट कर लीजिएगा तो इस ईमेल आईडी पे जो भी मेल किया जाएगा उसमें आपका यहां पे जाएगा। इस प्रकार से इस ईमेल आईडी को आपको इस प्रकार से दोस्तों यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। बस दोस्तों ये प्रोसेस आप यहां पे कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद आप यहां पे देखिएगा आपके जीमेल में जो भी मेल का प्रॉब्लम आ रहा था वो मेल का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा।